अगर आप इस चीज को एडजस्ट कर लोगे तो फिर आपको कोई भी वेट लॉस करने से नहीं रोक सकता। वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत और विल पावर की जरूरत होती है। हालांकि वर्कआउट करना और कैलोरी डेफिशिएट में रहने से ही वेट लॉस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी लोग कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिनके कारण वे वेट लॉस नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो लोग आम तौर पर करते हैं, क्योंकि आपको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि अगर ये चेंजेस या कुछ मिस्टेक्स अगर आप अपनी जर्नी में नहीं करोगे तो ये वेट लॉस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल पहले नीचे लाल बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें और ऐसी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है स्किपिंग मील्स। अगर आपको लगता है वेट लॉस करना है तो हमें ब्रेकफास्ट या डिनर को छोड़ना पड़ेगा तो ये सरासर गलत है। मुझे इंस्टाग्राम पर काफी डीएम्स आते हैं, मैं तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करती या मैं तो रात को खाना भी नहीं खाता फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मील्स को स्किप करने से वेट लॉस कभी नहीं होता। हाँ, हमें कैलोरी डेफिशिएट में रहना होता है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन मील्स छोड़कर कैलोरी डेफिशिएट नहीं करना होता, उससे उल्टा क्रेविंग्स होती हैं एंड हमें और ज्यादा भूख लगती है और दिन खत्म होते होते हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। इवन के जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी खराब हो सकता है जो कि वेट लॉस करने के प्रोसेस को और ज्यादा स्लो कर सकता है। इसलिए कभी भी मील्स को स्किप मत करो। जो आपका खाने का पोर्शन है उसको कम कर दें और कम से कम 3 टाइम जरूर खाएं। ऐसा करने से आपकी बॉडी को कंसिस्टेंटली एनर्जी मिलती रहेगी एंड आपको फूड क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। अगला है प्रोटीन डाइट कम लेना। मसल बिल्डिंग करनी है तो ही प्रोटीन चाहिए। अगर मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ तभी मुझे प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, वेट लिफ्टिंग करने वाले को प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है एंड ये मदद करता है मसल बिल्डिंग में। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको भी प्रोटीन की जरूरत है। हाँ, मसल बिल्डिंग करने वाले के कंपेयर में आपको प्रोटीन की जरूरत कम होगी, तो इसलिए 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के जितना आपको प्रोटीन डाइट जरूर लेनी चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जरूरी होते हैं, ठीक वैसे ही प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, नो मैटर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या नहीं। प्रोटीन से मिलने वाले इम्यूनो एसिड्स मदद करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में और साथ ही हंगर हार्मोन को भी बैलेंस रखने में प्रोटीन डाइट हेल्प करती है एंड ये हमें लंबे समय के लिए फुल रखता है जो कि अल्टीमेटली वेट लॉस में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन इंटेक का भी जरूर ध्यान रखें वाइल फैट लॉस। तीसरा है ईटिंग पैक्ड हेल्दी फूड। मार्केट में बहुत से फूड ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि दावा करते हैं दे आर प्रोवाइडिंग हेल्दी पैक्ड फूड। ठीक है, नो डाउट वो हेल्दी होंगे, लेकिन उस फूड का क्या आपने फूड लेबल देखा कि उस फूड की लाइफ बढ़ाने के लिए कहीं प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं ऐड किए या टेस्टी बनाने के लिए ज्यादा नमक या शुगर का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। लोग क्विक एंड रेडी टू ईट के चक्कर में उन फूड को लगातार खाते रहते हैं एंड फिर सोचते हैं क्या यार मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। इसलिए आदत बनाएं और फूड के लेबल्स को जरूर पढ़ें ताकि पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स हमको उस फूड से मिल रहे हैं। वैसे तो ट्राई करें कि घर का ही बना खाएं, बट वी आर ह्यूमंस, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें क्विक फूड ऑप्शन लेना पड़ता है, तो ऐसे में लेबल जरूर रीड करें सो आपको पता हो व्हाट न्यूट्रिएंट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द फूड एंड उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं, क्या उससे आपको बेनिफिट होगा या नहीं। नेक्स्ट है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। लोग आमतौर पर भूख और प्यास में कंफ्यूज होते हैं, लगी होती है प्यास एंड हम पानी पीने की बजाय खा लेते हैं जिससे कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं। ऐसे में हम वेट लॉस नहीं कर पाते और जब भूख ज्यादा लगी होती है तब हम हेल्दी ना खाकर अनहेल्दी या मीठा या फिर हाई सॉल्टी फूड खाते हैं जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है पानी भी वेट लॉस में हेल्प करता है? क्योंकि अगर हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा रहता है एंड जो कि हेल्प करता है ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने में, वेट लॉस करने में और ब्लड फ्लो भी ठीक रहता है। सो ट्राई करें कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक जरूर करें, क्योंकि अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो अच्छे से काम
कर पाएगी। नेक्स्ट है नॉट स्लीपिंग इनफ। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेट लॉस के दौरान, और अच्छा लाइफस्टाइल तभी अच्छा होगा जब आपकी नींद पूरी होगी। अब पूरी नींद से मतलब है कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना, क्योंकि जब हमारी नींद अच्छे से पूरी होती है तो हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं, थका थका सा भी महसूस नहीं करते। और अगर बात करें इंटरनल बॉडी की, तो अगर हमारी नींद पूरी होगी तो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो वेट लॉस करने के लिए हॉर्मोन्स का अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी बॉडी कैलोरीज बर्न कर पाएगी, मेटाबॉलिज्म अगेन जो है वो अच्छा होगा, एंड बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो भी बर्न कर पाएगी। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना होगा, और अगर अपना एनर्जी लेवल भी अच्छा रखना है देन यू मस्ट हैव 7 to 8 hours स्लीप। लास्ट है पेशेंस। जो वेट गेन आपको 10 या 15 साल में हुआ है वो एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, एक वीक कोई प्रोग्राम फॉलो किया, रिजल्ट नहीं दिखा, स्विच कर लिया, 5 दिन अच्छे से डाइट को फॉलो किया और सैटरडे संडे ये सोच के डाइट छोड़ दी कि 5 दिन अच्छे से डाइट की है, वीकेंड है, 2 दिन तो चलता है। उल्टा ऐसे करके हम अपने गोल्स को और पीछे कर देते हैं। हाँ, सोसाइटी में रहते हैं, बहुत से टाइम हमें बाहर भी जाना पड़ता है, ऐसे में डाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप पहले से ही प्लान कर सकते हो कि कैसे आपने वर्कआउट, डाइट और रेस्ट को मैनेज करना है। अगर आप इस चीज को एडजस्ट कर लोगे तो फिर आपको कोई भी वेट लॉस करने से नहीं रोक सकता। इसलिए पेशेंस रखो, जो भी प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से लंबे समय के लिए फॉलो करें। आफ्टर 8 to 12 weeks यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये थी एक क्विक वीडियो, कॉमन मिस्टेक्स अबाउट वेट लॉस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक के बिना मत जाना, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।